हेलो एवरीवन, मैं आपकी अपनी डाइटिशियन आरती भसीन, आपकी हेल्थ कोच एंड डाइट प्लानर। मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि हमें कितनी कैलोरीज एक दिन में लेनी चाहिए। आज ये वीडियो उसी पर है, तो उसे समझने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। जो आइडियल डेली इंटेक होता है कैलोरीज का, वो डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है और आप कितने फिजिकल एक्टिविटी पूरे दिन में करते हैं। जनरली वुमेन के लिए 2000 कैलोरीज और 2500 कैलोरीज फॉर मेन रिकमेंड की जाती है। अब बात करते हैं कि कैलोरी क्या है। हमारे खाने में या जो ड्रिंक हम पीते हैं उसमें कितनी एनर्जी है उसे कैलोरी कहते हैं। हमें कितनी एनर्जी चाहिए वो डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रोइंग चिल्ड्रन, टीनेजर को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। या आपका लाइफस्टाइल क्या है, एग्जाम्पल कि आप कितने एक्टिव हैं। सेडेंट्री वर्कर को कम कैलोरीज चाहिए और एक जिम ट्रेनर को ज़्यादा। या आपके साइज पर भी कैलोरीज डिपेंड करती हैं, जैसे आपका हाइट कितनी है, वेट कितना है, ये अफेक्ट करता है कि आप कितनी जल्दी एनर्जी को यूज़ करेंगे। और भी कई फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कि आप कितनी एनर्जी बर्न करते हैं, जैसे केमिकल्स प्रोड्यूस बाय योर बॉडी, या आप कितने हेल्दी हैं या अनवेल हैं। अब बात करते हैं कि किसमें कितनी कैलोरीज होती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे लो कैलोरी फूड की। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ओट्स, बीट्स, स्प्राउट्स, लो फैट पनीर, योगर्ट, सूप्स, एग्स, पॉपकॉर्न, फिश, पोटैटोज, लेग्यूम्स में कम कैलोरीज होती हैं। बट उन्हें आप कैसे ले रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको कहूँ कि फ्रूट खाने हैं और आप उसे कस्टर्ड के साथ खा लें और आपका वेट बढ़ जाए, तो आप कहेंगे फ्रूट ही तो खाए हैं। हमें इसलिए कैलोरीज से ज़्यादा उसमें कितना फाइबर है या उसमें किसके साथ कंबाइन किया जा रहा है उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ कैलोरीज ना देखें, क्योंकि एक एप्पल में 95 किलो कैलोरीज होती हैं और एक कोक में 0 कैलोरीज, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे। सिमिलरली स्टफ रोटी में 114 किलो कैलोरीज होती हैं, जो आपके आटे और वेजिटेबल से बना होती है, और जो पैटी होती है उसमें सिर्फ 85 किलो कैलोरीज होती हैं, जो मैदा और आलू से बनी होती हैं। तो डिसीजन आपका है कि आप न्यूट्रिशियस ऑप्शन चूज़ करेंगे या कैलोरी बेस्ड। न्यूट्रिशन के साथ साथ उसके पोर्शन पर भी नज़र ज़रूर डालें। ये नहीं कि ग्रेप्स न्यूट्रिशियस हैं तो आप कितने भी खा सकते हैं। मैं आपको 100 कैलोरी फूड के एग्जांपल देती हूँ। 13 स्ट्रॉबेरीज इज इक्वल टू 30 ग्रेप्स एंड 1 ऑरेंज इज इक्वल टू हाफ बनाना। 2 पीचेस इज इक्वल टू 1 एप्पल। तो देखा आपने, सब में 100 कैलोरीज हैं बट क्वांटिटी सबकी वेरी करती है, तो पोर्शन पर ज़रूर ध्यान दें। टाइमिंग्स को भी मेंटेन करें। आप जो भी खा रहे हैं चाहे हेल्दी हो, बट उसमें गैप ज़रूर रखें। ये नहीं कि हेल्दी मील लिया है तो फ्रूट्स खा लें फिर स्मूदी पी लें विदाउट एनी गैप। कुछ भी खाएं बट गैप में खाएं। आप जो भी फूड ले रहे हैं उसको डाइजेस्ट होने के लिए टाइम उसको मिलेगा एंड स्टमक को भी रेस्ट मिलेगा। तो ऐसे हेल्दी डाइट्स एंड टिप्स के लिए अभी कॉल कीजिए, जिससे आप हेल्दी डाइट के साथ साथ वेट लॉस कर पाएँ और इंच लॉस भी, एंड यस इम्यूनिटी भी बढ़ा पाएंगे। नवरात्रा में नवरात्रा डाइट लीजिए एंड फेस्टिवल्स में फेस्टिवल डाइट, इंक्लूडिंग योर फेवरेट मिठाई। और उससे पहले ये वीडियो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, जिससे आपके फ्रेंड्स भी इस हेल्दी डाइट के बेनिफिट ले सकें। और कमेंट एंड लाइक करना ना भूलिएगा। मैं आपकी सभी कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ और उन पर रिप्लाई भी करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी। बाय।